नेता को सुनने के लिए आतुर है आदरणीय नेता। आदरणीय नेता हम सबके नेता है आदरणीय राजनाथ सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ जिले के अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश जी राय और आप सबके चहेते प्रत्याशी श्री दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व विधायक श्री नरेंद्र सिंह जी और यहां की लोकप्रिय सांसद श्रीमती नीलम सोनकर, जिला प्रभारी हौसला प्रसाद जी उपाध्याय, क्षेत्रीय मंत्री श्री सहजानंद जी राय और प्रयाग विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री रामाधीन सिंह जी और इस मैदान में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बहनों भाइयों, 2.5 वर्ष के अंतराल पर दूसरी बार इसी स्थान पर सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके समक्ष खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले लोकसभा के चुनाव में मैंने आप लोगों से अपील की थी भारतीय जनता पार्टी की यहां की प्रत्याशी नीलम सोनकर को जिताकर भारत की संसद में भेजने की, आप लोगों ने इसे स्वीकार किया। इसके लिए मैं पुनः आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और बहनों भाइयों, हमारा यह उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और इस उत्तर प्रदेश ने 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐसा करिश्मा किया है कि भारत के राजनीति की दशा और दिशा बदल दी है। और इतना ही नहीं, यदि मैं यह कहूं कि भारत के राजनीति के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया है तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। भारत के राजनीतिक इतिहास को मोड़ देने का काम उत्तर प्रदेश कैसे किया, यदि आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को चुनकर भारत की संसद में न भेजा होता तो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार एक गैर कांग्रेस राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत हासिल न होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों ने भारत की राजनीति को एक ऐतिहासिक मोड़ दिया। और आज मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अवसर पर इस लालगंज विधानसभा क्षेत्र में दरोगा सरोज जब समाजवादी पार्टी में थे तब भी मैं जानता था, दरोगा सरोज उसके बाद भी मुझसे मिले थे। और बहनों भाइयों, मैंने कहा कि नहीं, दरोगा सरोज जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहिए और इन्होंने सही तरीके से ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की। और आज यदि आपके बीच आया हूं तो इसी दरोगा सरोज के लिए आया हूं। 5 वर्षों से यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही है, बराबर मुख्यमंत्री यह दावा करते हैं कि 5 वर्षों के अंदर हमने बहुत विकास किया है, बहुत विकास किया है। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या लालगंज क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास किया है या नहीं किया है? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदुस्तान के सारे गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का जो सिलसिला प्रारंभ किया था, उत्तर प्रदेश के इन 15 वर्षों में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, क्या इसने लालगंज के सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ दिया है या नहीं जोड़ा? अभी दरोगा सरोज एक सड़क की चर्चा कर रहे थे, हालात कितने बदतर हैं, उसके बाद भी यहां के मुख्यमंत्री यह दावा करते हैं कि विकास हो रहा है। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि भाजपा वाले जो भी कहें हमारा तो काम बोल रहा है। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काम बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है?
और मुख्यमंत्री जी को बतलाना चाहता हूं, काम बोलता नहीं है, काम दिखता है। और उत्तर प्रदेश में कहीं पर इस सरकार का काम दिख नहीं रहा। और इन्होंने स्वीकार कर लिया है अपनी कमजोरी, और इसीलिए कांग्रेस के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है। जानते हैं कि चुनाव की वैतरणी वह अकेले नहीं पार कर सकते, इसीलिए उन्होंने एक बैसाखी का सहारा लिया है। लेकिन जिस बैसाखी का सहारा लिया है बहनों भाइयों, वह बैसाखी अब काफी कमजोर हो चुकी है और हिंदुस्तान की राजनीति की डूबती हुई जहाज है। और मैं उन्हें सुझाव देना चाहता हूं, कमजोर आदमी को बैसाखी जब भी लगानी चाहिए, मजबूत बैसाखी लगानी चाहिए, कमजोर बैसाखी नहीं लगानी चाहिए। मैं एक बार भी गड्ढे में पैर पड़ा तो उसके बाद फिर हड्डी पसली का कोई पता नहीं चलेगा। और कांग्रेस पार्टी के नेता की क्या बात करूं, चार महीने पहले वह उत्तर प्रदेश में खाट सभा कर रहे हैं। बहनों भाइयों, आपके यहां खाट सभा हुई थी कि नहीं हुई थी? अच्छा हुआ। बहनों भाइयों, मैदान में सभा होते हुए तो हमने देखा था, ऑडिटोरियम में सभा होते हुए देखा था, हाल में सभा होते हुए देखा था, पहली बार इस कांग्रेस के नौजवान ने खाट पर सभा कर ली। अरे खाट सोने के लिए होती है, सभा करने के लिए नहीं होती है। और इस सचमुच मुझे तरस आ रही थी, चुनाव के चार महीने पहले ही जिस राजनीतिक पार्टी ने खाट पकड़ ली वो चुनाव क्या लड़ेगा? और जब वह देखे कि हम खाट के सारे सहारे चुनाव की वैतरणी नहीं पार कर पाएंगे तो उछल कर जो है साइकिल पर बैठ गए। और उनको नहीं मालूम है कि इस साइकिल को मुलायम सिंह जी ने पहले ही पंक्चर कर दिया। और शिवपाल सिंह जी यादव ने उसकी चेन निकाल ली है। अब यह साइकिल नहीं चलने वाली है बहनों भाई। जब उनसे कभी नजदीक जाकर कोई पूछता है, यह बतलाइए, आप कहते हैं कि मैं बहुत काम करना चाहता था, नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कहीं क्या करें, हमारे चाचा ने काम करने नहीं दिया, हमारे पापा ने काम करने नहीं दिया, क्या तमाशा है? चित भी हमारी, पट भी हमारी, और अंटा भी मेरे बाप का। तमाशा कर दिया है। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों को सुझाव देना चाहता हूं, अब आपकी साइकिल चलने वाली नहीं है, आपकी साइकिल अब खटारा हो चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी के लोगों को भी इस हकीकत को समझ लेना चाहिए, हाथी भी अब पुराना हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। और हाथी, इस हकीकत को समझना चाहिए, हाथी को लंबे समय तक जिंदा रखना है उसे पीपल खिलाना पड़ेगा, पैसा खाने से हाथी जिंदा नहीं रह सकता। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बैठ जाए, कोई बात नहीं, बैठे 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 बैठ। अरे अरे उनको बुला लो, ए ए लेते आओ, इधर ही लेते आओ, लेते ए अरे लेते आओ भैया, अपना कार्यक्रम ऐसा मत करो, आ जाओ। बैठ जाइए, बैठ बैठ जाइए, आप बैठिए बैठिए। इधर ले आइए, ले आइए, अरे ले आओ, ले आओ, ले आइए, आने दो, ले आओ उनको इधर, अरे ले आ जाओ, आ जाओ, उनको बुला लेंगे।
आ जाओ, आने के ले आओ, ले आओ हमारे पास, हमारे पास ले आओ, इधर आ जाइए, आ जाइए, अंदर आ जाओ, आ जाओ, चलिए ठीक है, बैठ जाइए। बैठ जाइए, हो गया, बैठ। बहनों भाइयों, मैं विकास की चर्चा कर रहा था। समाजवादी पार्टी भी विकास की बहुत चर्चा करती है और बहुजन समाज पार्टी की भी जब यहां पर सरकार थी तो वो विकास की चर्चा करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। मैंने आप लोगों से पूछा कि सड़कें बनी हैं या नहीं बनी हैं, तो आपने कहा कि सड़कें नहीं बनी हैं। मैंने पूछा कि आपके खेतों की सिंचाई के लिए पानी आता है कि नहीं आता है, तो आपने कहा पानी नहीं आता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार यह दावा करती है कि मैंने उत्तर प्रदेश में 18 से लेकर 24 घंटे तक की बिजली मुहैया करा दी है, तो लालगंज में 24 घंटे की बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे न 24 घंटे की आ रही होगी, 14 घंटे की आ रही होगी, वो भी नहीं आ रही। बिजली नहीं आ रही है, लेकिन बिजली का बिल तो आ रहा है। अरे तो मजा लीजिए, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। बहनों भाइयों, ऐसी ही सरकार आपको चाहिए। इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि बहनों भाइयों, सारे हिंदुस्तान में यह बात अब पक्की हो चुकी है कि सबसे बेहतर सरकार चलाने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारत ही नहीं दुनिया के राजनीतिक विश्लेषक, भारत ही नहीं दुनिया के राजनीतिक विश्लेषक, इस हिंदुस्तान में सरकार चलाने वाली सारी राजनीतिक पार्टियों के कामकाज की समीक्षा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हिंदुस्तान में सरकार चलाने वाली सबसे बेहतर पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप लोगों ने इस देश में 6 वर्षों तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को काम करते हुए देखा है, 2.5 वर्षों से आप नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के कामकाज को देख रहे हैं। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता, चाहे अटल जी की सरकार का कोई मंत्री रहा हो, चाहे हमारे नरेंद्र भाई मोदी की सरकार का कोई मंत्री रहा हो, किसी मंत्री के दामन पर कोई भी भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो यह कोई नहीं कह सकता। उत्तर प्रदेश की मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने सपा के भी मुख्यमंत्रियों को देखा है, बहुजन समाज पार्टी के भी मुख्यमंत्री को देखा है, और यहां पर आपने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को देखा है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह जी के भी काम को आपने देखा है, राम प्रकाश जी को भी देखा है और मुझे भी देखा है। सपा और बसपा के मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं सपा बसपा कांग्रेस के लोगों से, क्या कारण है कि भाजपा के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगते और भाजपा के किसी मुख्यमंत्री के ऊपर भी एक भी आरोप नहीं लगा? आरोप जब लगते हैं तो आपके ऊपर ही लगते हैं। और इन्हें मैं सुझाव देना चाहता हूं, इस हकीकत को समझना चाहिए, परिवार भी बिना लोकलाज के नहीं चल सकता बहनों भाइयों, और भारत का लोकतंत्र भी बिना लोकलाज के नहीं चल सकता। नेता तो ऐसा होना चाहिए कि यदि भ्रष्टाचार की दाग लग जाए तो अपने पद से त्याग पत्र दे दे, और जब तक वह आरोप से मुक्त नहीं हो जाता है अपने पद को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसा नेता इस उत्तर प्रदेश को चाहिए और हिंदुस्तान को चाहिए। बार बार ये लोग वोट मांगने का दावा करते हैं, वोट चाहिए, सरकार बनाएंगे, विकास करेंगे, कितना समय चाहिए इन्हें उत्तर प्रदेश का विकास करने के लिए? वादा किया था
किसानों के लिए हम यह कर देंगे, गांव के लिए यह कर देंगे, व्यापारियों के लिए यह कर देंगे। क्या किया है? न सड़क है, न बिजली है, न पानी है, कुछ नहीं है। मैं बेरोजगार नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या आपके हाथों को रोजगार मुहैया कराने का वादा किया था इस समाजवादी पार्टी की सरकार ने? पूरा किया है या नहीं किया है? मैं बेरोजगार नौजवानों को यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, यदि यहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हमारी सरकार भी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसी में मैं कृषि मंत्री था। सबसे पहले 2003 में जब कर्ज के ऊपर उस समय 12 से लेकर 18 फीसदी तक का ब्याज हुआ करता था, उसको कम कराकर 8 फीसदी किया था। और 2006-07 में जब मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, अपने सारे मुख्यमंत्रियों को मैंने कहा कि मैंने 2003 में 8 फीसदी ब्याज दर कर्ज पर किया था, आप उस ब्याज दर को कम करिए। लोगों ने पूछा साहब कितना करना, मैंने कहा पहले साल 4 फीसदी कीजिए, मैं 2006-07 की बात बतला रहा हूं। उसके बाद दूसरे साल घटाकर 3 फीसदी, तीसरे साल 2 फीसदी, चौथे साल 1 फीसदी और पांचवें साल घटाकर उसे 0 फीसदी कर दीजिए। यह अपने मुख्यमंत्रियों को सुझाव दिया। किसी को यकीन ना हो तो जाकर आपके पड़ोस के राज्य हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कोई देख सकता है, वहां के किसानों से पूछ सकता है। वहां हमारी सरकारें अपने किसानों को 0 फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मुहैया करा रही हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, यहां भी सरकार आने पर अपने किसानों को हम कर्ज 0 फीसदी ब्याज दर पर मुहैया कराएंगे। क्यों नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। और आपको यह भी यकीन दिलाना चाहते हैं मेरे बहनों भाइयों, मान सम्मान स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है, चाहे व्यक्ति का स्वाभिमान हो अथवा राष्ट्र का स्वाभिमान हो। दुनिया की किसी भी ताकत को हम इस राष्ट्र के स्वाभिमान पर सवालिया निशान लगाने की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे। भारत दुनिया का यही इकलौता देश है जिस देश में सभी जात, सभी मजहब और सारी दुनिया में जितने प्रमुख धर्म पाए जाते हैं, सारे प्रमुख धर्मों के लोग यदि दुनिया के किसी धरती पर देखने को मिलेंगे तो केवल और केवल भारत की धरती पर देखने को मिलेंगे। भले ही दुनिया का कोई इस्लामी देश हो, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा कि आप भी इसका पता लगा लेना, उन देशों में भी इस्लाम के जो 72 फिरके होते हैं वो 72 के 72 फिरके इस्लामिक देशों में भी नहीं मिलते हैं। इस्लाम के भी 72 के 72 फिरके सही सलामत दुनिया के किसी देश की धरती पर रहते हैं तो वह केवल और केवल भारत की धरती पर, मेरे बहनों भाइयों। भारत ही दुनिया का इकलौता देश है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरी विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए सारी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दुनिया की किसी धरती ने दिया है तो केवल और केवल भारत की धरती ने दिया है। सारा विश्व ही हमारा परिवार है। जाति, पंथ, मजहब, धर्म के आधार पर हम विचार नहीं करते, हम इंसाफ और इंसानियत के आधार पर विचार करते हैं। यह है भारत की जान। भारत की एकता और अखंडता को भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, उस पर आंच नहीं आने देंगे। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बहनों भाइयों, हम लोग अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। वहां भी पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, लेकिन कुछ आतंकवादी ताकते हैं जो अब पाकिस्तान में भी दहशत पैदा कर रही हैं, इस्लाम को मानने वाले लोगों के भी जाने ले रही हैं। उनके बारे में हम लोगों ने कहा कि आतंकवादियों को हवा देना बंद करो, लेकिन यह बात उनकी समझ में नहीं आती। और आपने देखा कि आज के 4-5 महीने पहले
पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी भारत की सीमा में घुस आए और उन्होंने रात को सोए हुए हमारे बहादुर सेना के जवानों पर कायराना हमला करके 17 जवानों की जाने ले ली। उसके बाद प्रधानमंत्री जी बैठे, मैं भी था, रक्षा मंत्री भी थे, कुछ अधिकारी भी थे। प्रधानमंत्री ने दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए फैसला किया। उसके बाद आपने देखा हमारे बहादुर सेना के जवान पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड थे वहां तक पहुंचकर आतंकवादियों का सफाया करने में पूरी तरह से कामयाब रहे। बहनों भाइयों, भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, भारत कभी विस्तारवादी नहीं रहा है। भारत ने अपनी सीमाओं का विस्तार करने की कभी नहीं सोची है। भारत कभी आक्रांता भी नहीं रहा है। दुनिया के किसी देश पर भारत ने कभी आक्रमण भी नहीं किया है। लेकिन जो भी हम लोगों को करना पड़ा है मजबूरी में करना पड़ा है। हम नहीं भूल सकते, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, याद रखना जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। और अटल जी की इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने और मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष था, हम सब लोगों ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में जितने भी हमारे पड़ोसी देश थे सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को हम लोगों ने आमंत्रित किया। नवाज शरीफ साहब भी, उन्होंने भी शिरकत की। लेकिन समझ में नहीं आता क्या हम लोगों ने केवल हाथ मिलाने के लिए उनको बुलाया था? बहनों भाइयों, केवल हाथ मिलाने के लिए नहीं बुलाया था बल्कि दिल से दिल मिलाने के लिए उनको बुलाया था। आज भी हम चाहते हैं पड़ोसियों के साथ दिल से दिल मिले, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन भारत के स्वाभिमान पर कोई चोट मारने की कोशिश करेगा तो उसे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। और दुनिया के किसी देश की एकता और अखंडता पर भी हम कभी भी सवाल या निशान लगाने के लिए कोशिश न करेंगे और न इसके पहले भी भारत कभी किया है। लेकिन इस बार जो करना पड़ा वो हमारी मजबूरी थी। और बहनों भाइयों, सारी दुनिया को यह संदेश चला गया, भारत किसी को छेड़ता नहीं है लेकिन भारत को जो छेड़ता है उसे भारत छोड़ता नहीं है। अपने आप यह संदेश चला गया। मैं भी चार पांच महीने पहले पाकिस्तान गया था, आप लोगों को मालूम है, देखा था। बहनों भाइयों, जाना नहीं चाहता। मैंने कहा कि वहां भेज देते हैं अपने राज्य मंत्री को, चले जाएंगे सम्मेलन में भाग लेंगे, जो भी बोलना होगा वहां बोलेंगे। लेकिन दो दिन पहले सम्मेलन के मेरे अधिकारियों ने मुझे बतलाया कि साहब वहां तो प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, गृहमंत्री राजनाथ सिंह मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम गृहमंत्री को पाकिस्तान की सीमा में घुसने नहीं देंगे। बहनों भाइयों, मैंने उसी दिन तय कर लिया, भले ही दो दिन बचे हैं लेकिन अब हमारा राज्य मंत्री नहीं जाएगा, मैं खुद पाकिस्तान की धरती पर जाऊंगा। और मैं गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, जब मैं उतरा तो वहां सेना के अधिकारी और पाकिस्तान के अधिकारी मिले। उन्होंने कहा कि साहब सड़कों पर हालात ठीक नहीं है, पहले हम लोग सड़क मार्ग से होटल ले जाने वाले थे लेकिन हम लोगों ने हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की है, इसलिए हेलीकॉप्टर से आपको होटल के पास ले चलेंगे। होटल के पास आधे किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने मुझे उतारा और फिर गाड़ी से लेकर आगे बढ़े। चार स्थानों पर आतंकवादियों का हुजूम नेतृत्व कर रहा था, चार स्थानों पर नारेबाजी हो रही थी, गृहमंत्री वापस जाओ, गृहमंत्री वापस जाओ। बहनों भाइयों, जितनी नारेबाजी हो रही थी उतना ही मेरा हौसला बुलंद होता चला जा रहा था। मैंने तय कर लिया, रात को मन पक्का कर लिया कि यदि आया हूं पाकिस्तान तो इस बार पाकिस्तान की धरती की छाती पर खड़े होकर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करके ही मैं भारत लौटूंगा। मैंने कहा कि हम आपसे दोस्ती चाहते हैं, आतंकवाद को रोकिए, अकेले आतंकवाद नहीं रोक सकते तो भारत भी आपको सहयोग करने को तैयार है।
लेकिन यह सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है वहां के शासकों की, जब होता है तो बराबर पाकिस्तान सीमा पर खिट पिट करता रहता है। ऐसे ही 2014 सितंबर में शपथ लेने के 3-4 महीने बाद रात को 10:30 बजे बिस्तर पर लेटा हुआ था, टेलीविजन खोल दिया, टेलीविजन पर खबर आई भारत पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से गोली चली है और हमारे 5 भारतवासियों को मार डाला, जिसमें एक मासूम बच्चा भी था, महिला भी थी। मैंने तुरंत अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक को टेलीफोन करके पूछा कि मैं क्या खबर देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि सर सही है। मैंने कहा हमारी फोर्स ने क्या किया? उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों ने 16 बार सफेद झंडे दिखाए। मैंने कहा सफेद झंडा दिखाने का मतलब क्या होता है? उन्होंने कहा साहब सफेद झंडा दिखाने का मतलब होता है कि अरे पाकिस्तान हम तुम्हारे ऊपर आप गोली नहीं चलाना चाहते, हम तुम्हारे साथ मिल बैठकर बात करना चाहते हैं, तकनीकी भाषा में उसे कहते हैं फ्लैग मीटिंग करना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा 16 बार सफेद झंडा दिखाने के बाद पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि साहब कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि मेरा आदेश है कि अब 17वीं बार सफेद झंडा नहीं दिखाया जाना चाहिए और आज से अभी तक, अभी से आगे के लिए भी स्टैंडिंग ऑर्डर है, पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलनी चाहिए, लेकिन एक गोली यदि उधर से चल जाती है तो फिर भारत की गोलियों को गिना नहीं जाना चाहिए। बहनों भाइयों, हमारे यहां भी रहते हैं, हमारे यहां भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बनकर रहते हैं। दुनिया में बिरला ही कोई ऐसा देश आपको देखने को मिलेगा। सौहार्द बनाकर आप यहां रखें, भाईचारा यहां का न टूटने दें, यह मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव आ चुका है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां समाज को तोड़कर सरकार बनाना चाहती हैं, लेकिन आपको यकीन दिलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़कर सरकार नहीं बनाना चाहती, समाज को जोड़कर हम सरकार बनाना चाहते हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए दरोगा सरोज जैसा एक मजबूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा क्षेत्र से दिया है, और जैसा दरोगा सरोज कह रहे थे यह सांसद रह चुके हैं। मैंने इनसे कहा, विधानसभा के बारे में पूछा, पहली बार जब मिले तो मैंने कहा कि भाई यह तो एक मिल गया हीरा, अब इस हीरे को अब सरकार यदि बनानी है तो जरूर विधानसभा के चुनाव में खड़ा करना चाहिए, और फिर उसके बाद यह बात तय हो गई कि नहीं दरोगा सरोज को लड़ाना है। और आज जो मैं यहां पर हुजूर देख रहा हूं, मेरा विश्वास पक्का हो गया है, इस क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि अब दरोगा सरोज यहां से जीतेंगे और आपके विधायक बनकर जाएंगे। और बहनों भाइयों, आप जानते हैं कांग्रेस सपा बसपा सबने उत्तर प्रदेश की राजनीति में कीचड़ कीचड़ कर दिया। कीचड़ में कुछ नहीं पैदा होता, कीचड़ में भी पैदा होगा तो केवल और केवल कमल पैदा होगा मेरे बहनों भाइयों। इसलिए आप सबके मैं अपील करना चाहता हूं, कमल का बटन दबाइए और दरोगा सरोज को भारी मतों से जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए और बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।